दोस्तों अभी अपने ससुराल से 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। इसी तरह हर घर में बगाना होगा, कम से कम 40-50 घर में। तो चलिए आपको एंजॉय कराते हैं, हम भी करते हैं ढोलक के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बब्बा बब्बा करते हैं आप। दोस्तों फिर से नए ब्लॉग में स्वागत है। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम ससुराल आए हुए हैं, मतलब कि बीना के घर, और देख पा रहे हैं बुग्गू बेटा हमारी अभी खेल रही हैं और हम जा रहे हैं बुग्गू के बुआ के यहाँ, मतलब कि अपने सिस्टर के यहाँ। आज वहाँ क्या है जी? पसनी और फुलवार है। फुलवार भी दिखाएंगे और पसनी भी। तो चलिए जाए। हाय बेटा। दोस्तों गाड़ी निकाल लिए हैं और यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों घर से करीबन 1 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडियन रेलवे का एक ब्रिज बना हुआ है और इसी के जस्ट बगल में एक नदी है। तो इस नदी का जो नाम है बर्दिया नदी बोलते हैं यहाँ के लोग, और ये ब्रिज है, इस ब्रिज के उस पार हमें जाना है। तो फिलहाल चलते हैं। दोस्तों 2 लाइन ब्रिज है। दोस्तों अभी अपने ससुराल से 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। यहाँ एक स्पेशल चीज़ है दोस्तों, ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं मंदिर है, यहाँ माता रानी को रखे हुए हैं दुर्गा जी। तो दोस्तों इसको देवरकोट बोलते हैं, ये जो है बहुत फेमस है हमारे ससुराल के क्षेत्र में। यहाँ पे एक तालाब भी है छोटा सा, देख पा रहे हैं हमने। दोस्तों देख पा रहे हैं पूरा रेलवे लाइन है, इधर बढ़िया खेती हुई है धान की, और इधर का लोकेशन दोस्तों कुछ इस प्रकार का है। और ये पूरा दोस्तों देख पा रहे हैं पत्थर है, महुआ का पेड़ है, पूरा ये लोकेशन जो है देवरकोट जो है इसके अंदर आता है। ये इसी रास्ते से होके जाना होगा, यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा है, चलते हैं। तो इस गांव में बहुत यूनिक चीज़ें देखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पहाड़ है, इस पहाड़ में माता रानी बिराजी हैं ऊपर, लेकिन बहुत ऊपर है, यहाँ से मंदिर जो है दोस्तों नहीं दिखता है। तो अगर कभी अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। रोड है दोस्तों और पहाड़ में चढ़ने के लिए रास्ता शायद उस साइड से है, और देख पा रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं और काफ़ी ऊँचाई है दोस्तों, देख पा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं अपने सिस्टर के ससुराल, और ये है दोस्तों घर, और वहाँ पर सब लोग लगे हैं काम धाम में। और यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं बच्चे झूला झूल रहे हैं। चलते हैं अंदर और आपको ढोलक ढोलकी सब दिखाते हैं। तो दोस्तों अंदर आ चुके हैं, देख पा रहे हैं ढोलक ढोलकी तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं जवा जो है रेडी हो चुका है, अब इसको गांव ले जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो रास्ते में देख पा रहे हैं सब लोग चले हैं जवा लेके, और करीबन 2-4 किलोमीटर दूर तक जाएंगे। अभी फिलहाल आपको चल के दिखाते हैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें खाद्यान्न जो मिलेगा हर घर में रखने के लिए। फिलहाल चलते हैं फटाफट, रास्ते में आपको दिखाते हैं। पहुंच चुके हैं एक घर में, ये अब इसके अंदर एंट्री मारेंगे। घुस चुके हैं सभी लोग, फिलहाल हम भी चलते हैं। दोस्तों इसी तरह हर घर में बगाना होगा, कम से कम 40-50 घर में। तो चलिए आपको एंजॉय कराते हैं, हम भी चलते हैं ढोलक के साथ। Ah!
तोर भाव जब धान पंडवा नहीं पूजा तो हम कौन है। तो दोस्तों चार घर में बगा चुके हैं, फिलहाल अभी जा रहे हैं इधर। तो दोस्तों करीबन घर से 2 किलोमीटर तक ये जो है बगाने आ चुके हैं, अभी काफ़ी दूर तक जाएंगे, अभी इस घर में जाएंगे दोस्तों। ये कितना